एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम टू बॉन्ग आउटसाइड बंगाल। आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये तो फ्री है। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, छानार कोफ्ता। छाना इज अ कॉटेज चीज और हमारे बंगाली कुजीन में छाना का यूज बहुत ही होता है, लाइक छानार डालना, छानार पुलाव, छानार पायस, और ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो वैसा ही एक है छानार कोफ्ता, लेकिन आज डिफरेंट वे में मैं बनाऊंगी इसे। जैसे कि इसमें कोफ्ता मींस कोफ्ते में बहुत सारे चीज़ डलते हैं, लाइक फ्रेश क्रीम, देन घी, ऑयल, पीनट और कैशू नट, ये सब बहुत सारे चीज़ डलते हैं। लेकिन आज जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं या जो लोग ज़्यादा रिच खाना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से, जैसे कि पीनट भी नहीं चाहिए, कैशू नट भी नहीं चाहिए, फ्रेश क्रीम भी नहीं चाहिए, ऑयल भी नहीं चाहिए, तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं ये छाना कोफ्ता आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। मैं रेसिपी शेयर करने के बाद आप घर पे ट्राई करना, ट्राई करके मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। क्या होता है ना, समटाइम हम जब थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं, वेट लॉस जर्नी में जाते हैं, तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना जो होता है तब हम खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर हम वही खाना एंजॉय कर सकते हैं ना, तो अच्छा होता है। क्योंकि वेट लॉस जर्नी एक खुद को हेल्दी बनाना है, राइट? खुद को मारना नहीं है, मतलब कि कोई टेस्टी खाना सामने है हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। खाना खा के खुद को फिट रखना है, यही है वेट लॉस। असली असली मायने में तो वेट लॉस का मीनिंग यही होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं छाना कोफ्ता। छाना कोफ्ता के लिए ये है इंग्रेडिएंट्स, जो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। जैसे मैंने बोला था, नो पीनट, नो कैशू नट, नो ऑयल एंड क्रीम, कुछ भी हम नहीं यूज़ करेंगे, फिर भी ये बहुत टेस्टी होता है। जो वेट लॉस जर्नी में है वो भी इस रेसिपी को ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। तो जो सामान हमें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, छाना तो चाहिए, ये है छाना, जिसको मैंने 1 लीटर मिल्क को लेमन की जूस से मैंने इसको काट लिया है। और इसको मैश करने के लिए एक बाइंडिंग एलिमेंट तो हमें चाहिए, तो उसके लिए 2 टेबलस्पून मैदा, छोंक के लिए जाएगा साबुत जीरा, बे लीफ, थोड़ा सा हींग और रेड चिली, ड्राई रेड चिली। और मसाला में जाएगा 1 बड़ा इलायची, 3 ग्रीन कार्डमम, पेपरकॉर्न, 1 स्टानिस, 1 सिनेमन स्टिक और 4 लौंग। टमाटर मीडियम साइज़ का 3, अगर बड़ा हो तो 2, एंड अनियन मीडियम साइज़ का 2 अनियन। रफली आपको चॉप करना है, उतना चॉपिंग में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी ग्राइंडर में ही जाएगा। देन गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर। मैं ग्रीन चिली का सीड निकाल के यूज़ करती हूँ, क्यों मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग घर पे बचपन से मैं यही देखती आई हूँ कि ग्रीन चिली का सीड निकाल के हम लोग यूज़ करते हैं। एंड हाफ लेमन का जूस हमें चाहिए। देन शुगर, क्योंकि ये कोफ्ता है और कोफ्ता की टेस्ट थोड़ा स्वीट होता है, इसीलिए शुगर। और हमें चाहिए दही, जो घर पे दही हमारा नॉर्मल सा दही रहता है, वही 100 ग्राम और 1 कप। और चाहिए किशमिश, सोख करके रखा है पानी में, तो इसका जो डस्ट है वो चला जाता है, इजीली रिमूव हो जाता है। सॉल्ट एंड देन रेड चिली पाउडर और हल्दी, जो बेसिक सा इंग्रेडिएंट्स हमारे खाने में लगता है वही। तो पहले क्या करना है, पहले एक पैन में इन सब चीज़ को हम एक साथ विदाउट ऑयल इसको थोड़ा भूनेंगे। विदाउट ऑयल मीन्स पानी के साथ भूनेंगे। तो जो मैंने मसाला लिया था, बड़ी इलायची, छोटे इलायची, देन पेपरकॉर्न,
लौंग, दालचीनी और स्टारनिस उसको डालेंगे। उसके बाद जो अनियन है हमारा डाइस किया हुआ उसको डालेंगे, देन टमाटर को डालेंगे, उसके बाद जो है गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली उसको भी डाल देंगे, सॉल्ट आपके टेस्ट अनुसार, थोड़ा सा टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, ये आप अगर कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मेरा ये होममेड है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बस थोड़ा सा ही, यस। अब इसको हम चूल्हे पे सॉफ्ट होने के लिए इसको पकाएंगे, और ये भी हमारा पानी में अभी भून रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया, ये सॉफ्ट भी हो गया, टमाटर एंड अनियन भी ओपन हो गया, आप देखो ये कितना बड़ा बन गया। अभी ये सॉफ्ट हो गया है तो इसके फ्लेम को ऑफ करके कुछ देर के लिए इसको ठंड होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट हम बनाएंगे। इतना गर्मी में ग्राइंडर में मत डालना कभी भी, बिकॉज आप अगर इतना गर्मी ग्राइंडर में डालोगे तो ग्राइंडर ब्लम्प कर सकता है, बिकॉज अंदर क्या होता है इसका स्टीम होगा और वो ब्लम्प करने का एक मतलब एक एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी रह जाता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंड करने के बाद ही इसका एक स्मूथ सा पेस्ट करना है हमें। अब जो ये मसाला है ऑलमोस्ट ठंड हो गया है, इट्स लुक लाइक अ पिज़्ज़ा, मैं ऐसा एक स्मूथ सा पेस्ट मिल गया। कोफ्ता बनाने के लिए पनीर को मैश करेंगे विथ मैदा और थोड़ा सा सॉल्ट। मैश करने के टाइम ये पाम को यूज़ करना, हम बंगाली में एक स्वीट है लेडी केनी, चौम चौम, तो दिस इज़ अ स्मॉल लेडी केनी, या लाइक दैट, ऐसा वाला शेप करना है इसका। कोफ्ता इज रेडी। तो हमें अभी क्या करना है, कोफ्ते को थोड़ा फ्राई करना है, तो हम तो ऑयल यूज़ करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा घी डाल के इसको शैलो फ्राई करेंगे। अभी हम पैन में डालेंगे 1 टीस्पून घी। जैसे कि मसाले में हम लोगों ने सब कुछ डाला था तो इसमें एक्स्ट्रा करके हमें कुछ डालने की और जरूरत, वो ढक के पकने देना है। टाइम हम ये हाफ लेमन और ये जो शुगर हमने रखा था वो डालेंगे। मेनली इसका जो है वो है भूनना, मसाले को सही तरीके से ठीक से भूनना पड़ेगा। अभी मसाला भून चुका, अभी इसमें जाएगा कर्ड। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, अभी इसमें उबाल आ गया है और अब हम ये कोफ्ता इसमें डालेंगे। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढक के हम पकाएंगे कि जो कोफ्ता हमने डाले हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और 3 मिनट तक उसको ढक के थोड़ा पकाएंगे। रेडी है। वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो ज़्यादा रिच नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए भी, गार्निशिंग के लिए, लुक को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए फ्रेश क्रीम डालते हैं ना, हम डालेंगे ये कर्ड। मैं अभी इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी घर पे बनाओ और आप भी एंजॉय करो। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा आपको ये रेसिपी, एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय।